तो जवाब आता है क्योंकि में, कि क्योंकि ऐसा है। हाय शिवड़ी, मेरा भाई आ गया इधर। तो जब तुम अपने आप को पूछते हो क्यों, जवाब आता है क्योंकि में। तो मैंने उसी टाइम पे अपना पहला रैप लिखा था, दैट्स वाई मैंने मेरे पापा की थियरी को मद्देनजर रखते हुए अपना स्टेज नेम क्यों के रखा। कुछ सुनाओ, क्या सुनाओ, क्या सुनना चाहेंगे आप? नहीं, आपको नहीं भूल सकते। आपने मतलब, यहाँ पे एक बंदा है, अंश श्रीवास्तवा, मैं नहीं भूल सकते आपका। आप बोल रहे हो ना क्यों, क्योंकि इस बंदे ने ना बहुत कांस्टेंट सपोर्ट किया। मैं आपको कभी मिली नहीं, कभी शांति नहीं, कभी बात नहीं की, कभी इनफैक्ट इंटरेक्शंस भी नहीं हुए ज़्यादा, लेकिन जितने भी हुए हैं आप लोगों ने, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो रहते हैं ना, जो कांस्टेंट सपोर्ट करते हैं, वो याद रहते हैं, वो ध्यान में रहते हैं। तो याद हो, आप नहीं भूलूंगी। बोला ना फैमिली, हु इंस्पायर्ड यू टू डू रैप? रफ्तार, क्लियरली रफ्तार। मुझे याद है कि उस टाइम पे ना मैंने मंटोयत सुना था पहली बार, बस उधर ही मुझे लगा कि अब मुझे लिखना है। आर यू कमिटेड विद किंग? ये कहाँ से आ रहा है पहले तो ये बताओ ना। मैं उनके, ना मैं उनके टीम में भी नहीं हूं अभी तक। यू शुड बी इन की, अरे भाई, किंग्स टीम अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैंने वही बात की थी। अच्छा, मतलब मैं जहाँ हूँ, मैं, मेरे को लगता है मैं आई एम वेरी हैप्पी। और मतलब आई डोंट थिंक कि टीम्स इतनी मैटर करती है मेरे लिए। इन दी एंड तो हर किसी को अकेले ही ग्रो करना है ना। कंग्रेचुलेशंस दी, थैंक यू सो मच मॉन्जी। हाउ यू, क्वीन विदाउट किंग। नाइस, वी आर हियर टू लिसन। ओके, बोलो क्या क्या सुनाऊं मैं आपको? मतलब मेरा रैप सुनना है कोई? अभी तो मैंने सुना दिया आप लोग कितना हूँ। हाउ आई कन्विंस माई पेरेंट्स, यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे घर वालों को। मेरे घर वालों ने पहले से ही मुझे, मतलब मे बी डांसिंग के लिए उनका ऐसा था कि मत कर, एक्टिंग के लिए कि अरे यार कैसा हो जाएगा शायद, पता नहीं, बट दे नेवर मतलब ऐसे रोका नहीं। राइटिंग के बारे में ना पहले से बोलते थे। मतलब मुझे याद है मैं बच्ची थी ना, तब से मैं ऐसे, आई हैव पिक्चर्स अपलोड भी किया है मैंने, कि मैं लिखती थी रैप, लिखती थी रैप नहीं, पोएम्स लिखती थी, पोएम्स लिखती थी, और यही सब चलता था मेरा। बट एक टाइम आया कि उसके बाद में मुझे जब लगा कि मुझे रैप करना है 2018 में, तब मैंने किया और मैंने उनको सुनाया, जैसे कि मतलब जैसे तुम लोग मैं बना रहे हो ना कि ये लड़कियां नहीं करती है, मुझे तब जेन्यूनली नहीं पता था कि लड़कियां शायद नहीं करती है। मेरे को लगा कि यार ये तो सही कर रहा है रफ्तार, मैं क्यों नहीं करूं, तो ये वाला पार्ट तो सही, मैं चलो कर कर रही है रफ्तार, कर रही है, सॉरी। सो मुझे लगा मैं क्यों नहीं, मैंने बोला कर देते, तो मैंने कर दिया और घर वालों को सुना दिया, जैसे कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है। और उन्होंने, उन लोगों ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया, बहुत नॉर्मल, अच्छा लिखा, नाइस। हमेशा इस चीज के बारे में एनकरेज ही किया है। ऐसे आई हैव नेवर सीन डेज जहाँ पे मुझे ऐसा बोला गया कि अरे ये लड़कियां नहीं करती है, तू क्यों कर रही है। आपकी ड्रीम बॉय के बारे में बताओ प्लीज। मैं हसल में एक ऐसे रैप परफॉर्म कर दूंगी आपके लिए, उसमें मैं ऐसा सब लिख दूंगी कि मुझे मेरा ड्रीम बॉय कैसा चाहिए। फिलहाल सही बताओ, नहीं चाहिए। खाना खाया मैम आपने? नहीं, मैं ये लाइव के बाद जाके खाऊंगी। डीएमसी टीम लुक्स वेरी स्ट्रांग विद सुपर मानिक जीडी 47 QK। अभी है वही तो, मतलब क्यों जाऊं मैं किसी और के टीम में जब हमारे टीम में GD47 है, स्पेक्ट्रा है, सुपर मानिक है,
टॉप 5 इंटरनेशनल एंड इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट्स। मैंने इतने नहीं सुने, मैंने जितने सुने हैं मेरे को, मैं एक दो नाम शायद गिन के बता दूँ। नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं इसका जवाब तब बताऊंगी मैं जब जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरे को यहाँ से जाना है पहले, हसल से निकलने के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगी इसका। योर बेस्ट फ्रेंड इन हसल, आई थिंक सृष्टि इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक पैराडॉक्स इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक विकल्प इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड एवरीबडी एल्स इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड। आई थिंक स्क्वेयर से आजकल बहुत अच्छी बातें होती है, एमसी स्क्वेयर इज वेरी गुड। बाकी भी है, सभी है, सबसे आई थिंक सबसे एक अलग बॉन्ड हो गया है। अब ये नहीं बता सकती कि किससे कैसा हो गया, क्योंकि अच्छा मतलब निगेटिव तो है ही नहीं, कितना डेप्थ है वो बताना। मम्मी कमेंट कर रही है, ड्रीम बॉय के सिवा लाइफ नहीं है। अरे यार मम्मी करवाना चाहती है मेरी शादी। हाँ मम्मी रुक जाओ, अभी ये बातें हम कॉल पे करेंगे बाद में।